गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल क्वेश्चन था, इंटेंस क्वेश्चन लिया था, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें तीन क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, तीन क्वेश्चन उसमें रह गया था, आज उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो था वो था, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो थ्री क्वेश्चन लिए थे हमने, थ्री क्वेश्चन आज लेते हैं। फोन नंबर CH CH3, ये फ्रेगोमेटिक हो गया, यहाँ से फाइव क्वेश्चंस लेते हैं। CH2 CH CH3 OH और ये आपका NG, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक और लास्ट सिक्स नंबर बेंजीन रिंग है। CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3। एक टेस्ट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था उसमें थ्री पार्ट्स स्टडी हम लोग सॉल्व किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लेंगे। सॉल्व भी किया होगा, आप बोला था मैंने कि आप खुद से भी एक बार प्रयास करिएगा। ये किसमें आते हैं, तो पहला हम उठाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लासीफाई करना है। यहाँ पर देखें, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इट मीन्स की ये सेकेंडरी एल्किल कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी बात करें तो 1 एल्किल ग्रुप 2 एल्किल ग्रुप, यहाँ पर भी CH है, एक हाइड्रोजन है जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी किसमें आएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। इसकी बात करें 1 एल्किल ग्रुप 2 एल्किल ग्रुप और ये कंप्लीट पूरा कर 3 एल्किल ग्रुप, यानी कि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका आएगा टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। इंटरेस्ट क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्राइमरी एल्कोहल, 4, 5 सेकेंडरी एंड लास्ट टर्सरी। अगर हम एलाइलिक के फॉर्म की बात करें, एलाइलिक एल्कोहल की बात करें, तो इसमें जो सेकेंड नंबर था, सेकेंड कंपाउंड कौन था, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये सेकंड था। अब आप देखें इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड है, ये किसमें आएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल है बट ये एलाइलिक एल्कोहल भी इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए, इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसको भी हम किसमें कैटराइज कर सकते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइमरी एल्कोहल, फोर्थ फिफ्थ सेकेंडरी एल्कोहल, सिक्स टर्सरी एल्कोहल, और इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन जो है वो एलाइलिक एल्कोहल में भी आता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो ये इंटरेस्ट क्वेश्चन आपका एक सॉल्व हो गया, इसको आप फिर से एक बार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम बोल लेते हैं टॉपिक, क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर यानी आईबीसी सिस्टम, नॉमेनक्लेचर। इसमें कौन सा आता है पहले जो इम्पोर्टेंट है, IUPAC सिस्टम। और किसी सिस्टम के सारे रूल आपको यूनिट नंबर 10 में मैंने बताए थे क्लास में भी, बट वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के केस में था। एल्कोहल के लिए आईबीसी एल्कोहल जनरल फार्मूला क्या है,
आरओएच। इसके लिए रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज एल्कोहल आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ई इन द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन बाय ऑल, यानी एल्केन से हमें क्या करना है, ई को रिप्लेस करना है और ऐड क्या करना है, ऑल। तो आपका जो कंपाउंड्स बना वो है एल्केन। ये इतना ध्यान रखेंगे, बाकी सारे रूल्स प्रीवियस जो मैंने बताए थे यूनिट नंबर 10 में सारे रूल वही है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, एक बाई एक वन बाई वन लेते हैं इसको और एक एक करके आपको समझाते चलते हैं, सिंपल से लेकर के परफेक्ट। सिंपल से उठा लेते हैं पहले, नंबर एक कार्बन CH3OH, दो कार्बन CH3CH2OH, थ्री कार्बन CH3CH2CH2OH, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथेन। मेथेन से ई को हमें रिप्लेस करना है, तो मेथेन से ई को रिप्लेस कर दिया, ऐड क्या करना है, ऑल। तो कंपाउंड नेम क्या हुआ, मेथेनॉल। क्लियर। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लेते हैं, एथ। तो कंपाउंड नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। थर्ड तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या लेते हैं, प्रो, जाएगा प्रोपेनॉल। ये तो आसान सा है स्टार्टिंग में, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ हम थोड़ा सा इसमें एक दो और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर। CH3, CH, CH2, OH, CH3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ बॉन्डेड मेन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि हम इसको मिनिमम मार्क्स देंगे, 1, 2, 3। टू पोजिशन पर क्या जुड़ा है, मेथिल, लेंगे 2, 5। तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोपे। एल्कोहल के लिए क्या लगता है, ऑल, प्रोपे नॉल। इतना क्लियर हुआ, कुछ कंपाउंड्स और उठा लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। क्लियर। अब हमें इसका नेमिंग करना है, तो हमें क्या करना है, नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जो हम सेलेक्ट करेंगे, उस लॉन्गेस्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप भी इंक्लूड हो, उसमें प्रेजेंट हो। तो काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप थ्री नंबर कार्बन पर अटैच है। इधर से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इट मीन्स कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बन रही है वो बन रही है 6 कार्बन की। कितने कार्बन की बन रही है, 6 की। काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 कार्बन पे जुड़ा, 4 नंबर पे जुड़ा। इधर से करें तो 1, 2, 3, 3 पे जुड़ा है, तो हम लोएस्ट नंबर देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोएस्ट नंबर मिल गया इसको। इस 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 एथाइल। कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, हो जाएगा हेक्सेनॉल। ऑल ग्रुप किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, हेक्सेनॉल 3। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, हो जाएगा 3 एथाइल हेक्सेन 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप IUPAC के जितने भी इंटेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, इंटेस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो IUPAC ही है, और पीछे आपका NCERT का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, वो भी क्लासिफिकेशन और आईपीएससी से ही रिलेटेड है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्लियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दूँगा। ओके।